महासमुंद जिला के सराईपाली विकासखंड अंतर्गत विभिन्न गांव में झोला छाप डॉक्टरों द्वारा क्लिनिक संचालित किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन को पिछले कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही थी। अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीएमओ और उनकी टीम ने अवैध रूप से संचालित दो क्लिनिक को सील कर दिया है। ज्ञात हो कि बीएमओ डॉक्टर बीबी कोसरिया ने क्षेत्र के 23 निजी क्लिनिक संचालकों को वैध नर्सिंग होम एक्ट पंजीयन की जानकारी प्रस्तुत करने जुलाई महीने में नोटिस जारी किया था और उन्हें 2 माह की समय दी गई थी, लेकिन किसी ने भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। जिसके बाद आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ऐसे क्लिनिक जिनका पंजीयन नहीं है उस पर कार्यवाही कर रही है। इस मामले में छुईपाली और बागद्वारी में संचालित क्लिनिक को विभाग ने सील कर दिया है। अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही कार्यवाही को लेकर झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है, क्षेत्र में 400 से अधिक झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक संचालित होती है, किंतु केवल 23 क्लिनिक को ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से नोटिस मिला हुआ है। इस सवाल पर स्वास्थ्य विभाग का कहना है, प्रारंभिक तौर पर केवल 23 क्लिनिक को नोटिस जारी हुआ था, अब बहुत जल्दी जांच का दायरा बढ़ेगा और सभी को नोटिस जारी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम कहां तक कार्यवाही करती है यह तो समय ही बताएगा। मेरे बीएमओ बैठने के पश्चात कुछ समय पश्चात ही लोगों के द्वारा जो है ना शिकायत झोला छाप लोगों का शिकायत मेरे पास आते रहा, जिसको देखते हुए मेरे द्वारा जुलाई महीने में ही इन लोगों को नर्सिंग होम एक्ट और इनके इलाज से संबंधित डिग्री और डिप्लोमा को प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया था, जिसका नोटिस का जवाब आज पर्यंत तक नहीं आया है। कि वर्तमान में फिर शिकायतों को देखते हुए अभी झोला छाप जाँच की शुरुआत की गई है। कल मेरे द्वारा 2 जगह जाकर के झोला छाप लोगों के 2 क्लिनिक बंद कर की गई, एक ललित कुमार यादव की, दूसरा सुभाष तांडे की। एक बागद्वारी चौक में ललित कुमार यादव के द्वारा संचालित एक क्लिनिक था और एक छुईपाली में हाई स्कूल रोड में सुभाष तांडे जी के द्वारा संचालित था। संरक्षण प्राप्त नहीं है, शिकायत मिलने पर अब कार्रवाई शुरू की गई है जो कंटिन्यू जो है जारी रहेगा और भी टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी झोला छाप लोगों को और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 23 लोगों को मेरे द्वारा नोटिस दी गई थी जिनको अभी तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं की गई है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।